AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा बनाई गई मशीन एक इंसान की तरह सोच सके। जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान सोचता है, ठीक वैसे ही ये रोबोट भी सोचने लग जाएंगे। इनसे मिलिए, नाम सना है। ये आज तक न्यूज चैनल में एंकरिंग का काम करती है। सना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई एक रोबोट है जो इंसानों से बड़ी आसानी से बात कर लेती है। AI की एंट्री जिस हिसाब से इस दुनिया में हुई है, देखकर लग रहा है कि एक इंसान की जॉब को कितना खतरा है। स्क्रीन में दिख रहा है ग्राफ इस बात का सबूत है कि लोग अपना काम कराने के लिए इंसानों पर कम इन रोबोट पर ज्यादा डिपेंड होना चाहते हैं। जिस काम को इंसान करता है उस काम को AI भी बड़ी आसानी से कर सकती है, और वो भी बिना किसी थकावट के। तो आइए आज की इस वीडियो से हम समझते हैं कि AI के आने के कारण इंसानों को क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान। देखिए, काम कोई भी हो उसके रिजल्ट दो तरह के हो सकते हैं, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो पहले हम नेगेटिव रिजल्ट की बात कर लेते हैं, यानी AI के आने के कारण इंसानों को क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। आज AI के ऐसे बहुत से टूल हैं जिनसे लोग फ्रॉड तक कर रहे हैं। डीप फेक इसका एक जीता जाता उदाहरण है, जिसके माध्यम से हम किसी एक शख्स का फेस किसी दूसरे फोटो में चिपका सकते हैं, और इससे सिर्फ फोटो ही नहीं बल्कि वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं। स्क्रीन में आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, देखकर आपको लग रहा होगा कि बराक ओबामा सर बोल रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है, ये एक डीप फेक वीडियो है। इसके अलावा AI के आने के कारण इंसानों की जॉब जाने वाली है, ये तो पक्की बात है। ठीक वैसे ही जब कंप्यूटर आया था तो इन लोगों की जॉब चली गई थी। एक कंपनी अगर एक रोबोट को परचेज करती है तो वो उसके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इसके बाद उसे कोई सैलरी नहीं देनी होगी जो कि एक वर्कर को दी जाती है। एक रिपोर्ट्स बताती है कि 2020 से लेकर 2025 तक AI के आने के कारण 85 मिलियन जॉब्स खत्म होने वाली हैं। और अगर हम इसके पॉजिटिव वे की बात करें तो ऐसा माना गया है कि 2020 से लेकर 2025 तक AI के आने के कारण 97 मिलियन नई जॉब्स आने वाली है। हालांकि ये जॉब थोड़ी स्मार्ट हो सकती है, इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ सकता है। आज हेल्थ केयर सेक्टर में AI का इस्तेमाल काफी तेजी से हो रहा है। कैंसर जैसी बीमारियों से लेकर रेडियोलॉजी तक एकदम सटीक रिजल्ट पाने के लिए AI का इस्तेमाल किया जाता है, और इनका इलाज ढूंढने में भी AI इनकी मदद करता है। इसके अलावा चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो या फिर फाइनेंस सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी से लेकर डिफेंस सेक्टर तक सभी फील्ड में AI काफी बेहतर काम कर रहा है। ChatGPT एक ऐसा AI टूल है जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो घंटों काम आपको मिनटों में करके देगी, और इसके लिए आपको किसी वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर मतलब यह है कि AI सभी फील्ड में एक्सपर्ट है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे अच्छे कामों के लिए यूज कर रहे हैं या फिर बुरे कामों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।